हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ व्यूअर्स के माइंड में इस वक्त ये सवाल है कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं। तो आप जिनको भी अपना ईस्ट मानते हैं, जिनका आप नाम जप करते हैं, जिनका आपके लिए, आपके मन में जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हैं, वही ईस्ट आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। ओके, तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे श्री कृष्णा जी का आया है व्यूअर्स, लॉर्ड ऑफ लव। ओके, तो श्री कृष्णा जी जब आए हैं यहाँ पे तो आप श्री कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है, श्री कृष्णा जी का प्यार तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर कीजिए, अपने ऊपर हम्बल रहिए आप, है ना। सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपको, क्योंकि इस वक्त आप कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के इतने ज़्यादा उस थॉट में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि आप उलझते ही जा रहे हैं। ओके, आप अपने थॉट प्रोसेस से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो कृष्णा जी कहना चाहते हैं इस थॉट को कुछ वक्त के लिए साइड में रख दीजिए, हर चीज़ को साइड में रख दीजिए और अपने आप को समय दीजिए। ओके, अपने आप को समय दीजिए। और जो व्यूअर्स यहाँ पे अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं आप इस वक्त, आपके माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है, तो यहाँ पे आप नो कांटेक्ट में है या बहुत ही कम लेस कांटेक्ट में है इस वक्त, ऐसा फील हो रहा है। और आप दोनों में से ही कोई एक दूसरे से नाराज़ भी है, हो सकता है आपका लास्ट कम्युनिकेशन इस तरीके से रहा हो कि कुछ एक दूसरे को किसी ने हर्ट किया हो, इस तरह की भी मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन जल्दी ही यहाँ पे ख़त्म होगी। आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ओके, साथ में यहाँ पे आपको, और जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं तो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे आपको, रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, या आप जिस भी पर्सन के लिए, आपके जो भी रिश्ते खराब हुए थे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ था, या किसी भी वजह से आपका जिसके साथ भी रिश्ता खराब हुआ था, या आप बिल्कुल आप कट ऑफ हो गए थे, तो वो यहाँ पे, और आप नहीं चाहते थे जाने अनजाने में ऐसा हुआ था, तो वो रिश्ता यहाँ पे फिर से, वो रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से आपका सुधर रहा है और बहुत अच्छे से सुधर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स की एनर्जी से भी कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको अपना हर्ट चक्रा भी हील करने की ज़रूरत है। आप अपने मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, तो उन ग्रजेस को लेकर के अगर आप बैठे रहेंगे तो यहाँ पे आपका हर्ट चक्रा बहुत हैवी फील होगा आपको वहाँ पे। ओके, और आपका ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट उस इंसान को जिसके लिए भी आपने ऐसा अपने मन में कोई ग्रजेस रखे हुए हैं, कोई आपने नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए रखे हुए हैं, तो उसे रिलीज़ कीजिए। ओके, आप उसे रिलीज़ कीजिए ताकि यहाँ पे आपकी हीलिंग हो सके। ये जो भी चीज़ है वो आपको अंदर ही अंदर जो है वो खाए जा रही है और बहुत परेशान कर रही है आपको, ये जो भी बात है या जो भी पर्सन है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे गायत्री देवी आई है। तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे गायत्री माँ आई है, गॉडेस ऑफ डिवोशन, मदर ऑफ डिवोशन। तो यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, और जब आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप अपने ईश्वर से जुड़ पा रहे हैं। आप अपने ईश्वर से इतने स्ट्रांगली कनेक्ट हो पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको आपके इंट्यूशन गाइड कर रही है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना सीखिए, अपने इंट्यूशन को सुनना सीखिए। ओके, आप जब आप ध्यान मेडिटेट करते हैं, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला थॉट जो आपका आता है, ये सही है या गलत है ना, ये आपको आपकी अंतरात्मा बताना शुरू कर देती है। ओके, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है और आप बहुत शांत मन से जब बैठते हैं ना, तब आप सोचेंगे कि क्या ये जो मेरा थॉट आ रहा है वो सही है, क्या ये काम सही है, तो आपको इमीडिएटली उसका जवाब मिलेगा। ओके, तो ये आपको फॉलो करना, ये सुनना आपको सीखना है। आपको बाहर नहीं ढूंढना है अपने सवालों के जवाब, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना सीखिए। ओके, क्योंकि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। आप जब
जब आप नाम जप कर रहे हैं तो यहाँ पे ईश्वर स्वयं आपको गाइड कर रहे हैं, जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो खुद आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, उनकी बात को सुनिए, समझना सीखिए उन्हें। ओके, आप एकदम से नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा थोड़ा आपको रियलाइज़ करना होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक नोटबुक रखिए, आपको जो भी थॉट आता है मेडिटेशन के दौरान वो लिखिए आप। ओके, वो आपके विश से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है वो देखिए आप। आपको थोड़ा पेशेंस रखकर उसे प्रैक्टिस करना होगा, एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे साथ ही आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप जब आप नाम जप कर रहे हैं ना, तो नाम जप तो हर चीज़ को हील करता है, क्लीन करता है, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को क्लीन करता है। तो यहाँ पे आपके चक्रास की भी क्लीनिंग हो रही है, आपके यहाँ पे थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा की क्लीनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। हो सकता है आपको इस वक्त थोड़ा हैवीनेस फील हो रही हो थर्ड आई पर, क्राउन चक्रा पर, या कुछ व्यूअर्स को सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा पर भी यहाँ पे हो सकता है आपको अलग सेंसेशन सा फील हो रहा हो, या डिफरेंट जो अनयूजुअल आपको यहाँ पे इन चक्रास के यहाँ पे आपको फील हो रहा हो। तो ये आपके चक्रास की हीलिंग हो रही है, और साथ में यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी पर्सन की भी हो रही है इन्हीं चक्रास पर। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे आप जब नाम जप कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप अभी तक इधर उधर भटक रहे थे ना, जो आपका माइंड भटक रहा था यहाँ वहाँ, हर चीज़ में आपने सब कुछ करके देख लिया, हर प्रैक्टिस करके देख ली, सभी मेडिटेशन करके देख लिए, बट एट लास्ट जब आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा है, नाम जप करना शुरू किया है, अपने ईश्वर से रिश्ता बनाया है आपने, है ना, तब आप यहाँ पे एक जो पीस होता है ना, जो आपके सोल ढूंढ रही थी बहुत लंबे समय से, जो आपकी सोल ढूंढ रही थी ना, वो पीस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जब आपकी माइंड बॉडी सोल यहाँ पे अलाइनमेंट होने वाला है, और जब इस तरीके की आप एनर्जीज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। क्योंकि आप नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज हमें तभी मिलना शुरू होती है जब हमारी एनर्जीज बैलेंस होना शुरू होती हैं। ओके, और आपकी यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आप यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना पाथ फॉलो करते रहिए, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप बिल्कुल भी डाउट ना करें कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप नाम जप करेंगे। ओके, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि आप अगर ऐसी बैलेंस्ड एनर्जीज में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नाम जप करना शुरू करना ही होगा। ओके, ताकि आप जो अपनी मैनिफेस्टेशन है उसको भी पूरा होते हुए देख पाए, आप वो पूरा होते हुए तभी देख पाएंगे जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे गणेश जी आए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, उसमें अभी तक बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आए, आपकी एनर्जीज में भी आ रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ पे अब आपकी जो भी विश है, जो भी ड्रीम है आपका, वो यहाँ पे उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे ना, जो भी बाधाएं आ रही थी, वो यहाँ पे गणेश जी ख़त्म कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जब ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसमें डेफिनेटली आप ही के लिए मैसेज है। ओके, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि रीडिंग आज आई है तो इमीडिएटली हो जाएगा, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ये एनर्जी आज की है, आपको अपनी एनर्जीज पर काम करना ही होगा, नाम जप करना ही होगा, प्रोटेक्शन लेना ही होगा। ओके, यहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तब यहाँ पे आज इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है आपके लिए, तो अपने ऊपर फोकस बनाए रखिए और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते रहिए, फॉलो कीजिए इस पाथ को। ओके, ताकि आप कंप्लीट चेंज अपनी एनर्जीज में देख पाए, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है यहाँ पे। ओके, और ये आप ईश्वर का हाथ पकड़कर ही बन सकते हैं, आप किसी और का हाथ पकड़कर नहीं बन सकते हैं। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में परमानेंट चेंज चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंटली चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके ईश्वर का हाथ पकड़ना ही होगा। ओके, और वो आप नाम जप के द्वारा ही कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं, जो व्यूअर्स कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे ये विश, ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नया सूर्योदय होने वाला है। ओके, और सारी नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है, सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं, जो नेगेटिविटी
कर्मास की परतें आपकी सोल पर चढ़ी हुई थी ना, वो आपके नाम जप से रिलीज हो रही है। ओके, और साथ में अगर आप यहाँ पे अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपके नाम जप का बहुत पॉजिटिव प्रभाव, सीधा सीधा प्रभाव मैं कहूँ तो यहाँ पे उनकी एनर्जीज पर भी पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे आपकी जर्नी में भी जो भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आ रहे थे वो आपके स्पिरिट गाइड से पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आपको अपना फोकस जो है नाम जप पर बढ़ाना होगा, जितना हो सके ईश्वर से कनेक्शन बनाए रखिए और बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज को डिसबैलेंस मत होने दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी क्लोज हो उससे। आप अगर आपको ऐसा फील होता है कि किसी के आपके क्लोज कांटेक्ट में या बात करने से या किसी भी तरीके कम्युनिकेशन से आप लो फील कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वहाँ से आप हट जाइए। ओके, इमीडिएटली वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आप इस जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, सामने वाला नहीं है, उसे नहीं समझ में आएंगी आपकी बातें। ओके, उसे ज़बरदस्ती अपनी बातें समझाने की कोशिश मत कीजिए, जितना समझे तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए उसे। ओके, क्योंकि वो सोल अलग पाथ पर है और आप डिफरेंट पाथ पर है, और मैंने भी 11-11 देखा है, तो ये यूनियन की भी एनर्जी है। ओके, यहाँ पे आप अपने पर्सन से यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखिए, एनर्जी को लीक होने से बचाइए, चाहे कैसे भी करके आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए, है ना। अगर आप किसी के थोड़े बुरे भी बन जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पे अपने ऊपर एफर्ट्स डाले हैं वो तो वेस्ट नहीं होने चाहिए ना। आप इतने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पेन लेकर के आप इतना सेक्रीफाइस करके जो काम कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है, न्यू नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, पीस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, नेम फेम सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हर तरह की ब्लेसिंग्स यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही हैं, और उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो आपका भी यहाँ पे काम है कि आपका भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़े रहें। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी रीडिंग के दौरान आपके स्पिरिट गाइड्स गाइडेंस देते हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ना आपके कुछ पैसे भी खर्च होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपका थोड़ा समय जाएगा, और कुछ भी आपसे ईश्वर नहीं मांग रहे हैं इस वक्त। तो आप, आई होप आप समझेंगे इस बात को और फॉलो भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और जो आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रीडिंग को आप इतना पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स की अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।